गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जीके का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको रीड करेंगे। डेफिशिएंसी डिसीज, जो डेफिशिएंसी डिसीज है उनके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय ए लैक ऑफ विटामिन B1। जो है डिसीज है इसका जो कारण है, लैक मीन्स होता है कम होना विटामिन B1 का इन दी बॉडी। जब बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो यह डिसीज होती है। इट्स सिम्टम्स आर डिजनरेशन मतलब होता है जो अधोपतन, मतलब पीछे की ओर जाने लगना ऑफ नर्व टिश्यू। जो नए टिश्यू बनते हैं नर्वस सिस्टम के, उनमें अधोपतन, वो चीड़ होने लगते हैं। मस्कुलर वीकनेस, और आपकी जो मस्कुलर कैसी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। हार्ट डिसीज, और आपको हार्ट डिसीज, जो आपके दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं वो होती हैं। वाटर रिटेंशन, जो वाटर का प्रतिधारण है वो उसका। एंड अल्टीमेटली अंततः क्या होता है, पैरालिसिस। इसके बाद क्या हो जाता है, पैरालिसिस। ये इस बीमारी का नाम क्या है, बेरी। अब क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा गया कि वह कौन सी बीमारी है जिसकी कमी से बेरी रोग होता है, वह कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से बेरी रोग होता है, वह है विटामिन B1। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाई डेफिशियंसी ऑफ विटामिन D। इस डिसीज में क्या इसका कारण है, डेफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की जो कमी होती है, इट अफेक्ट्स द चिल्ड्रन, ये किसको प्रभावित करती है, बच्चों को। दिस हिंडर्स द प्रॉपर ग्रोथ, हिंडर मीन्स होता है बाधा डालना, यह बाधा डालती है द प्रॉपर ग्रोथ, जो प्रॉपर तरीके से जो विकास होना चाहिए था, ऑफ बोन एंड विक्टिम्स लेग बिकम्स कर्व्ड। जो प्रॉपर रूप से उसका विकास होना चाहिए था, किसका, बोन का, वो नहीं हो पाता है। एंड दी विक्टम्स लेग बिकम्स कर्व्ड, और जो विक्टम्स के जो पीड़ित होता है उसकी जो लेग है वो कैसे होते हैं, कर्व में, मतलब हल्का गोलाई सा लेने लगते हैं कर्व। तो ये कौन सी बीमारी है, ये है रिकेटस। तभी कहा जाता है कि सभी व्यक्तियों को सर्दियों के समय में धूप में कुछ समय बैठना चाहिए, क्योंकि धूप से भी हमारी जो बॉडी है वो विटामिन डी बना लेती है, और हमें अपने खाने में विटामिन डी से भरपूर खाने का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि ये आपको किस में मिलेगा, मिल्क में मिल जाएगा, एग में मिल जाता है। तो ये इस प्रकार के कई हैं, जो आपके भींगे हुए जो अनाज होते हैं उनको खाने से मिलता है। ये इस प्रकार से इस बीमारी से बचा जा सकता है। नंबर थर्ड है, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाई डेफिशियंसी ऑफ आयरन। जब बॉडी में किसकी कमी हो जाती है, आयरन की। आयरन का मतलब होता है लोहा। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोहा खिलाइए, आपको ऐसी सब्जियां खिलाना होगा कि जिनमें लोहे की मात्रा हो। जैसे कि बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है लोहे के लिए, पालक। अगर आप पालक अच्छा खाएंगे, पालक अच्छे से खाएं, तो उसमें आपको आयरन भरपूर मिलेगा। इट कॉमन सिम्टम्स आर वीकनेस, इसमें जो इसके सिम्टम्स है उसमें क्या होता है, पहले वीकनेस आएगी, ब्रीदलेसनेस, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, गिडीनेस, चक्कर आएंगे, हेडेक, सिरदर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाएगी। एंड डायमेंशन ऑफ विजन, जो आपका विजन है, जो देखने का वो विजन है, उसमें अंतर आएगा। ये कौन सी बीमारी है, एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, ब्लड से रिलेटेड है। तो इसीलिए ये अक्सर ये जो बीमारी देखने में मिलती है, किस में मिलती है, महिलाओं में। ये अधिकतर बीमारी महिलाओं में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि कई महिलाएं सोचती हैं कि हम स्लिम ट्रिम रहेंगे। स्लिम ट्रिम रहने से क्या होता है कि स्लिम ट्रिम रहना जरूरी नहीं, फिट रहना जरूरी है। एक कमज़ोर व्यक्ति भी स्लिम ट्रिम हो सकता है, लेकिन क्या है कि फिट रहिए, एक्स्ट्रा बॉडी का वेट नहीं होना चाहिए। तो ये आपको पता चल गया कि एनीमिया। नंबर फोर्थ है, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। जो ये डिसीज है इसका जो कारण है डेफिशिएंसी का, वो है विटामिन ए। इट कॉजेज इनएबिलिटी, इसके कारण क्या होता है, इनएबिलिटी, आप अयोग्य हो जाते हैं टू सी इन द डिम लाइट, आप जो मंद प्रकाश में देखने में के अयोग्य हो जाते हैं। इट मे कॉज कम्प्लीट एंड परमानेंट ब्लाइंडनेस, इसके बाद क्या होता है, आप या तो कम्प्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है
या आप हमेशा के लिए अपनी आंखों आंखों का जो प्रकाश है उसको खो सकते हैं। इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की जब ये कमी रहेगी तो खास तौर से दिन में तो आप देख सकते हैं, लेकिन रात के समय आपको ब्लाइंडनेस की समस्या आएगी। नंबर फिफ्थ हैं, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। जो ये डिसीज है, जो ये बीमारी है, इसका कारण क्या है? विटामिन सी की कमी। इट कॉजेज स्वेलिंग। आपकी बॉडी पे क्या होगी? स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन आ जाएगी। इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो आपके दांतों में जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, उससे क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगती है। क्या होने लगती है? ब्लीडिंग। तो इसको क्या कहा जाता है? स्कर्वी। लेकिन इस बीमारी से बचना बहुत ही आसान है। कैसे? कि आप अपने खाने में किसको शामिल कीजिए? जो खट्टे पदार्थ हैं, जैसे कि नींबू है, आपका मौसमी है, आपका ऑरेंज है, इस प्रकार के जब आप फल खाएंगे जो खट्टे पदार्थ होते हैं, तो इससे तो विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। जैसे कि आपका एक आंवला है, ये सारे किसके स्रोत हैं? विटामिन सी के। ये आपने समझ लिया, स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इट ऑक्यूर्स इन एडल्ट्स। ये किसमें होती है? एडल्ट्स में। द बोन बिकम्स फ्रेजाइल। बोन कैसी हो जाती है? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। एक इसका मतलब होता है क्षणभंगुर भी। फ्रेजाइल का मतलब हुआ नाजुक। सो दे आर ईजली ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब होता है अति संवेदनशील हो जाती है। किसके? फ्रैक्चर। मतलब फ्रैक्चर का मतलब होता है टूटना, किसी भी हड्डी से टूटने से। ऑस्टियोपोरोसिस, इसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसके लिए आपको क्या है? ऐसे फूड को खाना चाहिए जो कि आपकी बोन्स को मजबूत दें, जैसे कि धूप में बैठना, खाने में साबुत अनाज का प्रयोग करना। नेक्स्ट, आपको डेली मिल्क लेना। मिल्क को काफ़ी अच्छा आहार माना जाता है। नेक्स्ट है, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। जो ये बीमारी होती है किसकी डेफिशिएंसी होती है? विटामिन बी से। इट कॉजेज स्किन चेंजेस। इससे इसका कारण क्या होता है? कि स्किन चेंज होने लगती है। डिमेंशिया, भूलने की बीमारी। पैरालिसिस एंड फाइनली डेथ। इसके बाद क्या हो जाता है? आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। ये आपको से मतलब किससे? जिसको ये डिसीज होगी उस व्यक्ति को क्या है कि उसको डिमेंशिया होगा, पैरालिसिस होगा, एंड उसकी फाइनली डेथ हो जाएगी। जिस व्यक्ति के अंदर ये विटामिन बी में भी कई हैं, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, इस प्रकार से पैरालिसिस एंड फाइनली डेथ। इसको बोला जाता है पेलाग्रा। क्या कहा जाता है? पेलाग्रा। अब एक बीमारी इसमें डू यू नो में, मरास्मस कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ये कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड है, विच मीन्स टू डीके, मतलब क्षय होना। एंड ऑक्यूर्स इन इन्फेंट। किसमें? इन्फेंट मीन्स होता है टॉडलर। टॉडलर मीन्स होता है चाइल्ड, मतलब बच्चा। छोटे बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है, टॉडलर भी बोला जाता है। बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। किससे? जो 1 वर्ष से नीचे होते हैं। हुज डाइट इज डेफिशियंट फ्रॉम बूथ प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट। उसमें किसकी कमी होती है? जब प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की। तो ये कौन सी बीमारी हो जाती है? मरास्मस। ये हो गया आपका क्लियर। अब आपको हम 2 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि ब्यूटी विटामिन किसको कहा जाता है? ब्यूटी मीन सुंदर। ब्यूटी विटामिन किसको कहा जाता है? ऑप्शन में आपको देता हूँ, A, B, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। ये आपके मैंने 5 ऑप्शन में दिए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो जब भी किसी के व्यक्ति बॉडी से जो ब्लड निकलता है तो वहाँ पर जो खून का जो थक्का बनता है उसको बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है?
जो बॉडी में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? आपको ऑप्शन देते हैं, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। मैंने आपको दोनों में 5-5 दिए, बी सी डी ई और विटामिन के। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है और सभी स्टूडेंट से मेरा यही कहना है कि आप अपना वर्क कंप्लीट करके भेजा कीजिए। थैंक यू।